है एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले नेक्स्ट नेक्सेस थर्टीन एंड फोटीन की तो कुछ कुल cool फीचर्स मैं तुम्हें हैंड ऑन करके दिखाना चाहता हूँ कुछ कुल cool फीचर्स को मैं टेस्ट आउट करना चाहता हूँ एंड हम उसको देखते हैं दैट किस तरह से हम उसको लेवरेज कर सकते हैं किस तरह से नेक्स्ट नेक्स्टेस फोर्टीन के न्यू न्यू फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं एंड जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें काइंड ऑफ रोस्टिंग वीडियो था नेक्स्ट नेक्स्टेस फोर्टीन के ऊपर तो उसके ऊपर कुछ क्लरिफिकेशन है विच आई वॉन्ट टू गिव तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली मेनली फोर टॉपिक्स को कवर करना चाहता हूँ और वो फोर टॉपिक्स कौन से बेसिकली ऐप राउटर डेटा फेचिंग सर्वर एक्शन एंड फॉर्म एक्शन राइट तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर फोर्टीन की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर थर्टीन एंड फोर्टीन तो एक बार एक क्विक लुक देख लेते हैं दैट किस तरह से हम न्यू ऐप राउटर को यूज कर सकते हैं एंड आई नो दैट आप राउटर को आए ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है वी विल सी दैट डेटा फिचिंग्स ओवर एक्शंस फॉर्म एक्शंस क्या है एंड किस तरह से हम इसको लेवरेज कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कुछ गुड एंड बैड प्रैक्टिस की जो हमें करनी चाहिए या फिर हमें जो नहीं करनी चाहिए डूज एंड डोंट्स सिंपल तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल बॉयलर प्लेट कोड है तो मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ दैट दिस इज अ सिंपल बॉयलर प्लेट कोड ऑफ नेक्स्ट ईयर फोर्टीन ठीक है तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे एम यूजिंग नेक्स्ट जेएस फोर्टीन तो इसके अंदर मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए दिस इज जस्ट लाइक यन क्रिएट नेक्स्ट ऐप और बिल्कुल एक सिंपल सा नेक्स्ट ईर्स का एप्लीकेशन है विथ विद राउटर ठीक है तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने के लिए यू नो दैट यू हैव सिंपल यान डेफ एंड अगर तुम यान ये करोगे यू विल नोटिस दैट लोकल थ्री थाउजेंड के ऊपर माय नेक्स्ट ईयर एस फोर्टीन सर्वर क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा राइट right? तो डेवलपमेंट सर्वर है थोड़ा सा स्लो होता है एंड येस यू कैन सी दैट इट्स रनिंग तो पहले बात करते हैं ऐप राउटर के अंदर ऐसा खास क्या राइट right? तो ऐप राउटर के अंदर लाइक एवरी वन नोज दट देर इज समथिंग नोन ए सर्वर कॉम्पोनेट्स राइट सो एवरी वन नो दैट देर इज समथिंग नोन ए सर्वर कॉम्पोनेंट्स एंड बात करते हैं दैट ये सर्वर कॉम्पोनेंट्स का मेनली बेनिफिट क्या ओके तो यहाँ परवोटे के न इमेजिन लेट से दैट ये हमारी एक लाइन है एंड दिस लाइन इज बिटवीन समथिंग नोन एज क्लाइंट कॉम्पोनेंट्स राइट जो हम अभी तक रिएक्ट में यूज करते आ रहे थे एंड देर इज समथिंग नोन एज सर्वर कॉम्पोनेट्स विच इज़ रिलेटिवली न्यू राइट तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर्वर uh, कॉम्पोनेंट्स तो क्या होता है लेटेस से दैट यू आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ शॉपिंग कार्ड ठीक है हम कोई शॉपिंग कार्ड बना रहे हैं कोई शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पोनेंट्स राइट यू हैव नाफ बार हमारे पास नाफ बार होता है प्रोडक्ट्स होते हैं कार्ट होता है हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एंड बहुत सारे हैंडलर्स होते हैं तो हम क्या सो वट वी वर डूइंग इज अर्लियर सिंपल रिएक्ट के अंदर या फिर नेक्स्ट स्पेजिस राउट के अंदर हम क्या करते हैं हमारे पास एक कॉम्पोनेंट होता है जिसके अंदर वी हैव अ कॉम्पोनेंट फॉर नाफ बार मे बी वी हैव अ कॉम्पोनेंट फॉर साइड बार ठीक है उसके बाद हमारे पास कॉम्पोनेंट हो सकते हैं जिसमें हम कार्ट को शो कर सकते हैं या, या फिर हम कह सकते हैं like, लाइक हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं राइट लाइक दिस उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत तरह के बटन्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ बटन उसके बाद दिस कैन ऑलसो बी अ बटन दिस कैन ऑल्सो बटन तो सिंपल रिएक्ट में या फिर हाँ, अगर हम नेक्स्ट ये पीजियस राउटर की बात करते थे तो इस तरह से हम अपने लेआउट्स को डिज़ाइन करते थे एंड होता क्या था जितने भी हमारे कॉम्पोनेट्स थे जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट होती थी वो पूरा का पूरा जो बंडल होता है जावास्क्रिप्ट का वो फ्रंट एंड पर शिप होता था राइट सो so, बंड तो जो जेस बंडल था तो पूरा का पूरा जो जेज बंडल होता है वो फ्रंट एंड के ऊपर हम शिफ्ट करते थे इससे क्या होता था हमारा जो पेज लोड होता था वो इंक्रीज हो जाता था राइट बिकॉज हम जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं जितने भी चाहे वो एक नाव बाहर है चाहे वो एक साइड बाहर है कुछ भी है वो सब एज इट इज़ क्लाइंट कॉम्पोनेंट लाइक बेसिकली दिस पूरा का पूरा क्लाइंट कॉम्पोनेंट हम यूजर के पास शिप करते थे राइट अब रिएक्ट और नेक्स्ट चीज जब आई थी तो उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या था दैट रिएक्ट के अंदर हमें डेटा जो था ना हम जो डेटा फेच करते थे वो भी हम क्लाइंट पे करते थे तो यहाँ पर जस्ट सी सीधी अमाउंट ऑफ स्टेप्स तो क्या होता था पहले ऑब्वियसली जो रिएक्ट थी वो वर्चुअल डॉम बनाएगी राइट उसके बाद वो सारे कॉम्पोनेंट्स हम क्लाइंट पर पहले उनको रेंडर करेंगे उसके बाद हर क्लाइंट एक फेच ए कॉल करेगा तो हर क्लाइंट अपना अपना कॉम्पोनेंट को पहले फेच करेगा एंड उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे जब हम उसकी स्टेट्स को अपडेट करेंगे राइट इसमें क्या है जितने भी कॉलिंग हो रही थी दैट वॉज फ्रॉम दी फेच दैट वॉज फ्रॉम दी क्लाइंट साइड तो जितने भी ए पी आई कॉलिंग होती थी वो क्लाइंट करता था तो ये तो था सिंपल रिएक्ट नेक्स्ट इयर्स जब आई राइट right? तो नेक्स्ट इयर्स इलेवन ट्वेल्व की जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इयर्स के अंदर क्या आता दैट वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली फेच द डेटा ऑन दिस ओवर तो हम क्या कर सकते हैं हम डेटा को ना सर्वर पर फेच कर सकते हैं राइट सर्वर पर फेच कर सकते हैं एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं उस सर्वर फेच्ड डेटा को हम पास कर सकते हैं क्लाइंट की right? तरफ तो राइट तो उसको हम कहते थे सर्वर साइड रेंडरिंग तो डेटा जो था वो सर्वर पर फेच होता था एंड उसके बाद हम उसको जो भी उसका लाइक पूरा एच बनता था उसको हम फ्रंट एंड पे सेंड करते थे एंड उसको हम दिखा सकते थे फ्रंट एंड के ऊपर तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग तो इससे हम सर्वर साइड फेचिंग कर सकते हैं एंड हमें एक सेपरेट फेच ही कॉल करने की जरूरत नहीं है फ्रंट एंड से अब नेक्स्ट इज़ आप राउटर की जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप राउटर और नेक्स्ट चेज़ फोर्टीन थर्टीन के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां पर वॉट यू कैन ईवन डू इज यू कैन रेंडर अ कॉम्पोनेंट ऑन दिस सर्वर राइट तो लेट अस यूम दैट ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है ओके सो दिस इज अ सर्वर कॉम्पोनेंट तो इससे क्या होगा अगर मैं एग्जैक्टली exactly सेम uh, तो इसका क्या मतलब है दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सेम एग्जाम्पल को लेता हूँ राइट एंड इसी सेम एग्जाम्पल को हम यहां पे करते हैं तो ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं अगर हम आप राउटर को यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन अज्यूम दैट ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं ये सारे सर्वर कॉम्पोनेंट्स हैं राइट ये सर्वर पर रेंडर होते हैं एंड फाइनली जो इनका एच टी एम एल बनता है दैट इज स्ट्रीमड टू द फ्रंट एंड ओके दैट इज स्ट्रीम टू द फ्रंट एंड एंड इसका क्या मतलब दैट इस बार हमारा जो जावास्क्रिप्ट बंडल होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा राइट right? बिकॉज जितने भी हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं जितनी भी हमारी कॉम्प्यूटन हुई उन कॉम्पोनेंस को रेंडर करने में वो हमारे सर्वर पर हुई एंड अब हम क्या कर रहे हैं? HTML को सेंड कर रहे हैं तो विच इज अ गुड थिंग विच इज अ गुड थिंग राइट तो इससे क्या हो रहा है डेटा फेचिंग भी बैक एंड पे हो रहा है सर्वर पर ही डेटा फैचिंग हो रही है एंड कॉम्पोनेंट का जो बिल्ड हो रहा है वो भी सर्वर पर हो रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ जो उसका एच टी एमएल बनता है एट दी वो हम फ्रंट एंड के ऊपर सेंड कर रहे हैं तो जे एस पंडल को तो हमने कर लिया रिड्यूस जो जावा स्क्रिप्ट जो एस सी ओ के लिए बहुत अच्छा है एंड इससे हमारा जो पेज टाइम है वो भी डिक्रीज़ होगा बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है दैट अगर ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है लेटर से दैट ये एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट एक सर्वर कॉम्पोनेंट है तो इसके ऊपर यू कैनॉट हैव इंटरएक्टिविटी अगर तुम तो एक बटन के ऊपर एक इंटर एक्टिविटी ऐड करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक ऐप राउटर में जाता हूँ एन दिस पेज डॉट टी एस एक्स तो ये जो पूरा पेज है ये क्या है ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है राइट right? ये पूरा एक सर्वर कॉम्पोनेंट है लेटर से हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं खुद का तो यहाँ पर एक बटन बनाते हैं एंड मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लिक मी आई एम अ बटन राइट तो वट यू विल नोटिस इज दैट अगर मैं वापस आता हूँ तो बे वो बटन कहाँ पर एंटर हुआ ओके okay, रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी दैट ठीक है यहाँ पर एक बटन आया एंड जैसे ही मैं यहाँ पर एक ऑन क्लिक हैंडलर लगाने का ट्राई करता हूँ एंड ऑन क्लिक के ऊपर हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लिक्ड तो वट यू विल नोटिस इज जैसे मैंने ये किया तो तुम्हारे पास एक एरर आएगा दैट इवेंट हैंडलर्स कैन नॉट बी पास टू अ क्लाइंट कॉम्पोनेंट प्रॉम ठीक है तो इसका क्या मतलब दैट इफ़ यू नीड इंटर कंसिडर कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ दिस टू अ क्लाइंट कॉम्पोनेंट तो सर्वर कॉम्पोनेंट्स के अंदर सिर्फ स्टाटिक डेटा हो सकता है सर्वर कॉम्पोनेंट्स के अंदर इंटरएक्टिविटी स्टेट्स नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल इंटरएक्टिविटी ऐड की तो ये नहीं चलेगा सिमिलरली सिमिलरली ठीक है इसको एक काम करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई स्टेट बनाने का ट्राई करता हूँ राइट right? कुछ भी हम बोलते हैं यूज स्टेट तो यहाँ पर अगर हम यूज स्टेट वन करते हैं तो आई कैन से डैट ये मेरी स्टेट है एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सेट स्टेट सेट स्टेट तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा यू विल अगेन गेट एन एरर दैट हम यूज स्टेट यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या है ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है अब अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं राइट right? तो इसके मल्टीपल वेज हैं वन वे क्या है दैट मैं इस पूरे के पूरे कॉम्पोनेंट को एक क्लाइंट कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय एडिंग यूज क्लाइंट अब यू विल नोटिस एवरीथिंग इज वर्किंग गुड मैं क्लिक भी कर पा रहा हूँ बट इससे हुआ क्या दैट ये मेरा पूरा का पूरा जो कॉम्पोनेंट है वो क्लाइंट कॉम्पोनेंट बन गया जो हम सिंपल अभी तक देखते आ रहे थे बट इससे प्रॉब्लम क्या है दैट मैंने वो फीचर मैंने वो एडवांटेजेस लूज कर दिए जो एक सर्वर कॉम्पोनेंट के होते हैं सर्वर कॉम्पोनेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं एक काम करते हैं यहाँ पर हम एक राउट बनाते हैं तो इसको मैं बोल देता हूँ यूजर्स ठीक है ये एक यूजर्स का राउट है एंड इसके अंदर लेट्स हैव अ पेज डॉट टी तो आप राउटर के अंदर पेज डॉट टी इज द फाइल जो एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ पर वट आई कैन डू इज आई कैन सेन्स्ट यूजर पेज एंड इसको मैं एक एसिंक एक काम करते हैं इसको हम एक सिंपल कॉम्पोनेंट बनाते हैं ओके okay? एंड मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ एक डिफ एंड इस डिफ के अंदर आई कैन हैव यूजर्स तो मुझे ना यूजर्स फेच करने राइट right? तो एक काम करते हैं लेट्स यूज जेसन प्लेस होल्डर एंड इसके अंदर वट आई विल डू इज मैं यहाँ पर यूजर्स को फेच करना चाहता हूँ तो ये रे यूजर्स तो अगर मैं यहाँ पर ए पी आई कॉल करना चाहता हूँ वट आई कैन डू इज मैं इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को ए सिंक मार्क कर सकता हूँ एंड नाव आई कैन से कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स डायरेक्टली यहाँ पर फिच ठीक है थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट डायरेक्टली कॉम्पोनेंट के अंदर आई कैन मेक अ फेच कॉल एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन जस्ट से एक काम करते हैं पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग यूजर्स ठीक है यहाँ पर हम यूजर को करेंगे एंड यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरा ये वाला फंक्शन दैट इज यूजर पेज राइट तो अब नेक्स्ट चेज क्या करेगी इस पेज को करेगी बिल्ड अब एक काम करते हैं लेट्स ट्राई टू गो टू स्लैश यूजर्स जैसे मैं इंटर करूंगा वॉट यू विल नोटिस ये पेज मेरा ओपन हुआ एंड मेरे पास कंसोल के अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट है राइट यू कैन सी दैट मेरा पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं दैट हुआ क्या तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉमिस आया एंड मैंने उसको अवेट नहीं किया तो यहाँ पर मैं अवेट करना भूल गया तो अवेट करके वापस से रन करते हैं सो आई कैन से दैट ये हमारा बेसिकली एक रॉ रिस्पॉन्स है तो आई कैन से रॉ रिस्पॉन्स एंड फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कॉन्स यूजर्स इक्वल्स अवेट जो भी हमारा रॉ रिस्पॉन्स है इसको हम जैसन में कर सकते हैं कन्वर्ट राइट एंड इस टाइम मुझे क्या मिलेगा मुझे मिल रहा है यूजर्स एंड अब इस यूजर्स को मैं यूज़ करके वट आई कैन डू एज आई कैन से यू एल के is, ul अंदर राइट यू एल के अंदर यूजर्स डॉट मैप एंड फॉर ईच यूजर हम एक एल आट एक् पर एंडर करेंगे एंड इसके अंदर हम बोल सकते हैं ई डॉट आई डी एंड उसके बाद एक स्पेस दे के यहाँ पर हम बोल सकते हैं ई डॉट नेम एंड हर एक को हमें की देना होता है एंड की कैन बी ई डॉट आई डी तो जैसे मैं सेव करूँगा एंड मैं वापस आता हूँ यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारा डेटा है एंड ये पर्टिकुलर जो पेज है ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है ये एक सर्वर एंडेड पेज है अगर इसका एक प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इंस्पेक्टर पर क्लिक करके नेटवर्क टाप में जाके जैसे मैं इंटर करूँगा यू वी सी तो ये ए पी आई कॉल हुआ इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ तो ये हमारा ए पी आई कॉल हुआ एंड इसके अंदर वॉट यू विल नोटिस दैट डायरेक्टली ये पेज सर्वर से रेंडर हो गया राइट बट द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज इट्स अ सर्वर कम्पोनेंट हम इसके अंदर इंटर एक्टिविटी एड नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ दैट मैं इस पर्टिकुलर बटन के क्लिक पे मेरे पास ना यहाँ पर एक बटन होगा एंड ये बटन क्या करेगा ठीक है लेट से आई हैव अ बटन एंड आई विल से से नेम ओके एंड ये बटन क्या करेगा ऑन क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर एक इवेंट को कॉल करेगा एंड यहाँ पर हम सिंपल अलर्ट करेंगे क्या अलर्ट करेंगे यूजर का नेम तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यूजर का नेम बट सेम प्रॉब्लम दैट हम इंटर एक्टिविटी एड नहीं कर सकते सर्वर कॉम्पोनेंट के अंदर सो वॉट वी कैन डू इज़ हम एक पार्ट को उठा के उसको एक क्लाइंट कॉम्पोनेंट बना सकते हैं राइट इफ़ यू नीड इंटरएक्टिविटी कंसिडर कन्वर्टिंग दिस पार्ट ऑफ एज अ क्लाइंट कॉम्पोनें तो मैं यूजर्स के अंदर एक कॉम्पोनेंट बना सकता हूँ मे बी एक क्लाइंट बटन ठीक है हम एक बटन कॉम्पोनेंट बना रहे हैं सिंपल एक रिएक्ट कॉम्पोनेंट सो आई कैन से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्लाइंट बटन कुछ भी नाम दे, दे सकते हैं लाइक इट्स अ कस्टम बटन फिर रियाक्ट डॉट एफ सी ठीक है इसको मैंने टाइप दिया एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम सिंपल अपना वो बटन रेंडर कर सकते हैं एंड वट आई कैन डू इज मैं यहाँ पर प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं राइट right? तो यहाँ पर एक टाइप बना लेते हैं तो इंटरफेस प्रॉप्स एंड इस प्रॉप्स के अंदर लेट्स हैव चिल्ड्रन ठीक है तो चिल्ड्रन कैन बी ऑफ टाइप रियाक्ट डॉट रियाक्ट नोड तो यहाँ पर रिएक्ट नोड ले लेते हैं एंड हम यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिसनर भी ले सकते हैं विच इज़ ऑफ टाइप अ फंक्शन ठीक है एक फंक्शन टाइप होगा जो क्या करेगा रिटर्न कर सकता है वॉइड तो हमने एक सिंपल ऑन क्लिक ले लिया तो अब इस प्रॉप्स को हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सेप्ट ठीक है एंड उसके बाद हम इनको यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर मेरा ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल कर दो एंड यहाँ पर हम चिल्ड्रन को रेंडर कर सकते हैं तो ये मेरा एक क्लाइंट कॉम्पोनेट बन गया एंड क्लाइंट कॉम्पोनेंट बनाने के लिए ऑफकोर्स यू हैव टू रिमेंबर हमें यहाँ पर यूज क्लाइंट करना है बिकॉज बाय डिफॉलॉलॉलॉल्ट एक सर्वर कॉम्पोनेंट है एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरा ये क्लाइंट बटन अब वट आई कैन डू इज मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग ये वाला बटन मैं यहाँ पर अपना क्लाइंट बटन यूज़ करूँगा राइट right? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्लाइंट बटन एंड इसको मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट ओके इम्पोर्ट अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई गो बैक ठीक है तो ये हमारा क्लाइंट बटन बन गया एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस मैं एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर ना यूज़र का नेम ले लेता हूँ तो यूज़र नेम दो मुझे एज अ स्ट्रिंग तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर लिख देता हूँ राइट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यूजर का क्या आएगा मेरे पास यूज़र का यहाँ पर यूजर नेम आएगा एंड वो हम यूजर नेम अलर्ट कर देंगे नाउ गोइंग बैक अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर आई कैन से क्लिक बटन ठीक है एंड इसके अंदर आई कैन पास यूजर नेम तो यूजर का नेम हम पास कर सकते हैं ई डॉट नेम तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम क्लाइंट बटन का यूज कर रहे हैं राइट right? हम इस टाइम क्या कर रहे हैं हम क्लाइंट बटन का यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम एक प्रॉप सेंड कर रहे हैं यूजर नेम एंड ये क्लाइंट बटन जो कि एक क्लाइंट कॉम्पोनेंट है हमारी इंटर एक्टिविटी को हैंडल कर रहा है इफ़ यू गो बैक यू कैन सी दैट हमारे पास बटन है एंड अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ यू विल गेट दी अलर्ट मिंटर मिस्टर डेनिस वॉट्स एवर इज नेम तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने जो मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स थे उनको हमने सर्वर कंपोनेंट ही रहने दिया राइट right? तो उससे हमारा जे का जो बंडल साइज है वो डिक्रीज हुआ लेकिन जो पार्ट को इंटरएक्टिविटी चाहिए थी उस पार्ट को हमने एक यूज क्लाइंट कंपोनेंट, एक क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया जिससे जो पार्ट नेसेसरी था वो ही सिर्फ एज अ क्लाइंट कॉम्पोनेंट बन के आया तो ये एक बहुत ही कूल cool चीज़ है इन टर्म्स ऑफ एस ओके ओके तो ये तो था ग्रेट तो ये तो मतलब ऑलरेडी भी था ठीक है तो ये कुछ नया नहीं है तो ये वाली चीज नेक्स्ट ईयर थर्टी के अंदर भी थी तो थर्टीन में आप राउटर इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें सर्वर कॉम्पोनेंट्स है राइट ओके तो अभी ये बहुत ही एक ओवरव्यू आर्किटेक्चर था सर्वर कंपोनेंट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारी और चीजें हैं बट दिस इज लाइक फॉर बिगनेस अब बात करते हैं डेटा फेचिंग भी हमने देख लिया था अब किस तरह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं सर्वर के ऊपर अब बात करते हैं सर्वर एक्शंस की ठीक है तो सर्वर एक्शंस नेक्स्ट ईयर थर्टीन में भी थे लेकिन एक्सपेरिमेंटल मोड के अंदर नेक्स्ट ईयर फोर्टीन के अंदर अब ये स्टेबल है तो सर्वर ऑप्शन के हैं देखो जब हम डेटा को फैच करते हैं ठीक है तो हम सिंपल इस फेच का यूज़ कर सकते हैं जो नेक्स्ट डेज़ ने ओवर राइड किया है बट अगर हमें कोई डेटा सेंड करना है राइट right? हमें कोई डेटा पोस्ट करना है तो उसके लिए क्या होता था उसके लिए हमें एक राउट बनाना होता था तो हमारे नोट जेस एप्लीकेशन के अंदर व्हाट वी कैन डू हम कुछ एक राउट बना सकते हैं जैसे कुछ ऐसा राउट हो सकता है आप डॉट पोस्ट राइट right? तो जिसके ऊपर तुम अपना डेटा पोस्ट कर सकते हो एंड फिर क्या हो सकता है इस बटन के क्लिक पे हम एक फेच हम एक पोस्ट कॉल कर सकते हैं मे बी एक्सी को यूज़ करके या कोई भी लाइब्रेरी को यूज़ करके एंड वो क्या करता है वो इस पर्टिकुलर रूट को कॉल कर देगा राइट right? तो दिस वॉज हैपनिंग इस केस में नेक्स्ट चेज ने इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी कर दिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं लेटस से दैट ये जो बटन है ना इस बटन के क्लिक पर ना मुझे कोई ए पी आई कॉल करना है ठीक है मुझे अलॉट नहीं करना है लेटस से मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं दैट आई हैव टू लाइक डू एन ए पी आई कॉल ठीक है एंड इस ए पी आई कॉल को करने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली क्या होगा यू विल है हैंडलर फंक्शन तो लेटस से दैट ये मेरा हैंडलर फंक्शन है एंड इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं हम ए पी आई कॉल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइट right? ए पी आई कॉल एंड यहाँ पर काम करते हैं यूजर नेम को भी ले लेते हैं यूजर नेम एंड ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन जो मेरा क्लाइंट बटन है हम इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं राइट right? तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डाल देते हैं तो अभी अगर मैं अपनी आउटपुट को चेक करता हूँ तो जब भी मैं किसी बटन को क्लिक करूँगा डू एन ए पी आई कॉल यूजर का नेम तो ये यह, यहाँ पर तो था ये ट्रेडिशनल वे अब हम क्या कर सकते हैं अब हम एक एक्शंस बना सकते हैं एक्शंस लाइक वट आई कैन डू इज अगर ये मेरा क्लाइंट कॉम्पोनेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक फंक्शन एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम अपने सारे एक्शंस को रखेंगे तो एक्शंस डॉट टी एस ठीक है इस पर्टिकुलर फाइल को हम कर देते हैं यूज सर्वर राइट सर्वर फाइल एंड मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को उठाकर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे रख दूंगा एंड इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड पैरामीटर्स के अंदर हम यूजर नेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग राइट सिमिलर थिंग कुछ भी चेंज नहीं किया राइट right? तो यूजर नेम अब वॉट वी कैन डू इज क्लाइंट बटन के अंदर मैं उसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ राइट क्लाइंट बटन के अंदर इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश एक्शन एंड उसके अंदर से हैंडलर फंक्शन वाला एक्शन तो अभी क्या हो रहा है इफ़ यू विल नोटिस दैट एक काम करते हैं इसको हम इस तरह से करेंगे हैंडलर फंक्शन एंड हमारा यूजर नेम राइट तो अभी क्या हो रहा है दिस यूजर नेम शुड भी ऑफ टाइप स्ट्रिंग ठीक है तो यहाँ पे यूजर नेम को स्ट्रिंग कर लेते हैं ठीक है तो अभी वॉट इज इज दैट ऑन क्लिक मैं एक हैंडलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये हैंडलर फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है ये हैंडलर फंक्शन डिफाइंड है एक अलग फाइल के अंदर जो यू सर्वर है अब अगर हम वापस जाके इस पर क्लिक करते हैं ठीक है इसको एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे यू विल नोटिस नथिंग इज हैपनिंग तो वो जो कंसोल डॉट लॉग्स है वो मेरे कहाँ पर आ रहे हैं अब मेरे सर्वर के ऊपर आ रहे हैं तो मतलब कि वॉट इज़ हैपनिंग इस बटन के क्लिक पे ये जो क्लाइंट बटन है इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और ये फंक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है सर्वर के ऊपर एंड इसका क्या मतलब मैं दैट डायरेक्टली यहाँ पर एक डी बी क्वेरी को रन कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई कैन से एस क्यू एल एंड जो 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 भी मेरी एस क्यूल क्वेरी फॉर एक्जाम्पल अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है इंसर्ट इन टू टेबल का नेम तो जो भी मेरी एस क्यू एल क्वेरी है मैं उसको यहाँ पर रन कर सकता हूँ सेफली कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है ठीक है इट्स एप्सोल्यूटली सेफ ओके लेकिन फ्रंट एंड पे क्या हो रहा होगा तो अगर हम नेटवर्क कॉल को देखते हैं एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू सी दैट एक नेटवर्क कॉल हुआ जिसके अंदर राइट right, जिसके अंदर हुआ क्या यू विल सी दैट हमारे कुछ पैरामीटर्स गए विच इज़ गुड एंड ये जो कॉल है ये कहाँ गई एच टी पी लोकल होस्ट लाइक लोकल होस्ट थ्री थाउजेंड स्लाश यूजर्स के ऊपर पोस्ट कॉल एंड अगर हम इसका प्रिव्यू देखते हैं तो इस तरह का हमारा कुछ रिस्पॉन्स आया तो मतलब कि नेक्स्ट चीज़ क्या कर रही है ऑटोमेटिकली एक लेयर बना रही है एक ए पी आई लेयर तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली बना रही है राइट right? तो ये वाला जो रूट है ये हमने नहीं बनाया राइट right. हमने तो डायरेक्टली उस फंक्शन बनाया इस फंक्शन का रेफरेंस हमने यहाँ पे पास किया नेक्स्ट चीज ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली एक लेयर बना दी जिससे हम अपने ए पी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तो मुझे एक्सप्लिसिटली कोई आप डॉट पोस्ट आप डॉट गेट करके कोई रूट नहीं बनाना पड़ा एंड दिस इज बाय लाइक दिस इज सिक्योर बाय डिफॉल्ट ठीक है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्वर एक्शन ठीक है action, तो ये एक सर्वर एक्शन है जो हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है द प्रॉब्लम इज़ ठीक है यहाँ से एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है मैंने क्या बोला दैट हम यहाँ पर एक एस क्यू एल क्वेरी को रन कर सकते हैं विच इज़ एब्सोल्यूटली सेफ इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम तो यहाँ पर कोई भी क्वेरी को रन करो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी द थिंग इज दैट क्या हमें यहाँ पर वो करनी चाहिए एस क्यू एलक्वायरी क्या ये एक गुड पैटर्न है फॉर मी आई थिंक ये एक गुड पैटर्न नहीं है क्यों बिकॉज हम क्या कर रहे हैं हम अपना मोस्ट ऑफ दी जो बिजनेस लॉजिक है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बटन के साथ तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना इससे ना हाई कपलिंग हो रहा है कैन यू सी देखो हम ट्रेडिशनली क्या करते थे हम हम ट्रेडिशनली ना एक रूट बनाते हैं राइट तो एक हमारे पास एक सर्वर होता है राइट विच इज़ लाइक मे बी ऑन अमेजॉन वेब सर्विस डिजिटल ऑप्शन कहीं पे भी जिसके अंदर वी हैव मल्टीपल रूट्स तो हमारे पास एक पोस्ट रूट हो सकता है इस तरह का हमारे पास एक गेट रूट हो सकता है एंड ये हमारे जो ई होते हैं ये सिक्योरली कहीं ना कहीं एक्सपोज होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो इन पर्टिकुलर ए से टॉक कर रहा है राइट इन पर्टिकुलर ए से बात कर रहा है एंड हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है सेपरेटली जो सिमिलर सेम ए के साथ बात कर रहा है राइट विच इज़ गुड तो ये पैटर्न इज गुड लेकिन अगर हम सारा कोड यहाँ पर लिखेंगे तो इट्स लाइक हाई कपलिंग तो एक तरह से हम हाईली उसको टाइप कर रहे हैं एक बटन के साथ एंड मेंटेनेबिलिटी भी थोड़ा सा इशू है कैसे बिकॉज अगर तुम्हारे पास एक लार्जर टीम साइज है तो मतलब एक तरह से हम फ्रंट एंड को और बैक एंड को कहीं ना कहीं सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे राइट कैन यू सी जिस रिपोजिटरी के अंदर जिस पर्टिकुलर कोड के अंदर मेरा फ्रंट एंड का कोड है उसी पर्टिकुलर चीज के अंदर मेरा बैक एंड का कोड है राइट right? तो मुझे पर्सनली ये पर्टिकुलर अप्रोच पसंद नहीं है ठीक है इट इज़ सिक्योर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है एस क्यू इंजेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इट इज़ सिक्योर बाय डिफॉल्ट ठीक है इसमें सिर्फ दो प्रॉब्लम्स है मेजरली नंबर वन दिस इज़ स्लो ठीक है मानो या ना मानो ऐप राउटर बहुत स्लो है ठीक है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है बड़ी बड़ी कंपनीज में भी नोटिस किया जो ऐप राउटर यूज़ करती हैं ये पर्टिकुलर अप्रोच बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है तो जब इसको तुम प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करोगे यू विल नोटिस दैट जितनी भी ये ए कॉल्स होती हैं ना ये बहुत स्लोली रिजॉल्व होती हैं तो आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट अगर हम इसको डायरेक्टली लेट से हम डायरेक्टली फेच कॉल करते हैं हमारे किसी ए डब्ल्यू सर्वर के ऊपर तो वो बहुत फास्ट होता है लेकिन ये वाली पर्टिकुलर चीज बहुत स्लो है नंबर वन नंबर टू यहाँ पर जो कोड है ठीक है एक चीज़ होता है एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न तो तुम तो तो उसको सर्च कर सकते हो तो अगर हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात करते हैं तो यू विल सी दैट इसमें क्या होता है दैट सेपरेट एन एप्लीकेशन इनटू यूनिट्स ठीक है तो हमें अपने एप्लीकेशंस को सेपरेट आउट करना चाहिए विद मिनिमम ओवरलैपिंग बिटवीन द फंक्शंस एंड इंडिविजुअल यूनिट्स तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ठीक है हम उस चीज़ को वॉयलेट कर रहे हैं हाँ इस चीज़ की डिलीवरी बहुत फास्ट होगी लेटर से अगर मैं किसी क्लाइंट को वर्क कर रहा हूँ तो उस चीज़ की डिलीवरी बहुत फास्ट होगी सिक्योर बाय डिफॉल्ट है बट द थिंग इज दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कोडिंग प्रिंसिपल्स को वॉयड कर रहे हैं ठीक है अब क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं देखो यूज़ कर सकते हैं ठीक है हम इसको यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्युटली ओके राइट हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिक्योर है कोई दिक्कत नहीं है कोई एसक्यूएल इंजेक्शन वाली चीज नहीं होगी ठीक है हर एवरीथिंग इज सिक्योर एंड इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ एस कर सकते हैं हम यहाँ पे मोंगो डी कॉल भी कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पे मोंगो डी कॉल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर कोई रेडिस के साथ कॉल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रिजमा भी यूज़ कर सकते हैं तो मतलब दिस इज योर लॉजिक मतलब यू कैन राइट एनी राइट तो यहाँ पर ये यह सिक्योर है बाई डिफॉल्ट बट द थिंग इज नंबर वन इट स्लो एंड सेकेंडली दैट अगर तुम इस अप्रोच को यूज़ करोगे तो स्केलेबिलिटी इशू आएगा ठीक है बड़ी टीम साइज में आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ अ गुड आइडिया टू फॉलो ठीक है एंड एक और चीज़ जो एज अ स्टूडेंट मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा दैट जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं राइट तो हम सबके के ना कोडिंग के पैटर्न्स होते हैं दैट हम किस तरीके का कोड करते हैं अगर हम स्टार्टिंग से ही ऐसा कोड करेंगे अगर हम माइंड में ऐसा ही अपने डॉट्स को कनेक्ट करेंगे दैट इस तरह से कोड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम पता क्या होगी दैट तुम्हें लॉन्ग रन में ना प्रॉब्लम आएगी बिकॉज एक चीज आई एम श्योर दैट कंपनीज कभी भी यहां पर डेटा बेस्ट क्वेरीज नहीं करेंगी ठीक है कंपनीज हमेशा बैक एंड के लिए एक सेपरेट सिक्योर लेयर बनाएंगी फ्रंट एंड के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन सेपरेट लेयर होगा जो आपस में किसी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे तो ये चीज तो फॉर श्योर sure है दैट तुम्हें बहुत कम चांस है दैट यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली एसपीएल क्वेरीज रन होती हुई दिखेंगी छोटे मोटे फ्री लांसिंग प्रोजेक्ट्स में तुम्हें दिखने वाली है दैट इज़ ओके बट थिंग इज दैट अगर तुम इस तरह से अपने माइंड को सेट करोगे तो लॉन्ग रन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो आई वुड से दैट ओके दिस इज फन ठीक है ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसको यूज कर सकते हैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर जहां पे हमें थोड़ा सा फास्ट इटरेट करना है राइट जहां पे आई नो दैट मुझे किसी फ्री लांसर लाइक like, मुझे कोई एक टेम्पलेट बनाना है या फिर कुछ चो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है बट अगर इफ यू आर बिल्डिंग सम सीरियस प्रोजेक्ट तो उसके इसमें आई विल रिकमेंड कि इस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा यूज मत करना ठीक है सर्वर एक्शन को ज्यादा यूज मत करना नॉट इवन एज अ प्रोक्सिलियर ठीक है नॉट इवन एज अ प्रोक्सीलियर बिकॉज ये बहुत स्लो है तो ऐप राउटर में फेचिंग वाला चीज़ इज़ वेरी गुड ठीक है तो इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यूज़ करना बिकॉज सर्वर कॉम्पोनेंट से जे साइज़ कम होता है बंडल साइज़ कम होता है एंड तुम्हारा पेज लोड टाइम बढ़ता है सर्वर साइड अंडर पेजेस एस के लिए अच्छे होते हैं बट सर्वर एक्शन को मत यूज़ करना आई वुड से यूज़ योर ओन ए पी आई लेयर ठीक है सर्वर एक्शन को अगर यूज़ भी करो तो डायरेक्टली मतलब डेटा के साथ तो इंटरेक्ट मत करना हैव सम सेपरेट ए पी लेयर जो मैं कहना चाहता हूँ एंड अब एक बार देखते हैं फॉर्म एक्शन क्या था फॉर्म एक्शन बेसिकली सेज दैट व्हाट आई कैन डू इज़ अब मुझे इसको यूज क्लाइंट करने की जरूरत नहीं है ठीक है मुझे इसको यूज क्लाइंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफकोर्स हमारे पास कोई इंटर लाइक ठीक है यूज क्लाइंट तो करना ही पड़ेगा अब हम ऑन क्लिक की जगह क्या कर सकते हैं ना मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मुझे इस क्लाइंट बटन की भी जरूरत नहीं है मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस क्लाइंट बटन अगर मुझे पता है दैट ये पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट एक फॉर्म एक uh, क्या है ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक बटन को यूज कर सकता हूँ राइट बटन एंड आई कैन से क्लिक मी ओके आई कैन जस्ट से क्लिक मी क्लिक इफ़ आई कैन टाइप दैट करेक्टली एंड अगर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पास करूँगा वॉट यू विल नोटिस इज़ दैट हमारे पास एक एर आएगा लेटर से ऑन क्लिक कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं इनसर्ट इन टू टेबल ठीक है टेबल एंड यहाँ पर लेट से हम ई डॉट नेम लेते हैं तो यहाँ पर वॉट यू विल नोटिस ऑफकोर्स हमारे पास एक, एक एरर आएगा बिकॉज हम इंटर एक्टिविटी एड नहीं कर सकते बिकॉज ये एक सर्वर कॉम्पोनेंट है राइट right? तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं हम इसको एक फॉर्म एक्शन कर सकते हैं एंड इसको मैं बोल सकता हूँ यूज सर्वर डायरेक्टली यहीं पर एंड नाव यू वट यू विल नोटिस दट हमारे पास यहाँ पर कुछ एर आया yeah, तो इसको ए सिंह करना भी जरूरी है तो नाउ वट यू विल नोटिस इज दट हमारा कुछ सब कुछ सही चल रहा है मुझे एक सेपरेट कॉम्पोनेंट भी नहीं बनाना पड़ा फॉर इंटर एक्टिविटी एंड अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू विल नोटिस दट एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड ठीक है तो ये वो चीज़ था जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस होता तो इसमें क्या हुआ बेसिकली और ज़्यादा ईजी हो गया राइट इट इज़ लाइक और ज़्यादा ईजी अब हमें कोई क्लाइंट कॉम्पोनेंट बना के सेपरेटली एक सर्वर एक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मैं डायरेक्टली अपना जो काम है वो यहीं पर कर सकता हूँ ठीक है इस चीज़ को अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ ठीक है uh, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए फॉर्म एक्शन इन नेक्स्ट ई एस फोरटीन ठीक है तो अगर हम इसको सर्च करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अभी डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड है तो अभी तो ये पुराने वाले हैं यू कैन सी दैट हम एक्शन डॉट टी एस बना सकते हैं यू सर्वर करके हम सर्वर एक्शंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विच इज़ गुड ठीक है good, तो अभी आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन तो अभी अपडेट नहीं हुआ है तो डेटा फेचिंग सर्वर कम्पोनेंट्स बहुत कूल cool कंसेप्ट है बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है एंड ऑल्सो वट आई एम प्लानिंग इज दैट जो टीचर्स है तो टीचर्स के ऊपर इफ़ यू रिमेंबर दैट जो मैंने टीचर्स इट्स बीन लाइक फ्यू मंथ्स तो यहाँ पर जो कोर्सेज का लैंडिंग पेज होता है ना तो अगर हम इस कोर्स को प्रीव्यू करते हैं एंड ये कस्टम डोमेन के ऊपर एंडर होते हैं तो ये पर्टिकुलर जो पेज है ये अभी पेजेस राउटर को यूज़ करता है एंड वट इट डज इज ये यूज़ करता है पेजेस राउटर एंड सर्वर साइड रेंडरिंग को ठीक है तो वट आई वर्स प्लानिंग इज दैट ये सारा जो डेटा है ना वो सर्वर पर रेंडर होता है एंड फिर फ्रंट एंड पे हम इसको रेंडर करते हैं वट आई वर्स प्लानिंग इज़ कि अगर हम इसको देखें दैट यहाँ पर ना इंटरेक्टिव चीज़ें बहुत कम है इंटरएक्टिव चीज़ों में क्या है एक बटन है ये इंटरेक्टिव और एक ये टेबल है जो इंटरेक्टिव है बाकी इस पेज पे पूरा का पूरा क्या है स्टैटिक डेटा है तो वट आई वर्स प्लानिंग इज़ कि मैं इस पर्टिकुलर पेज को आप आउटर के ऊपर मूव करूँगा जिससे मेरा जे एस बंडल साइज़ कम होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि जो मेरा लोडिंग टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ सॉरी लोडिंग टाइम डिक्रीज़ होगा मेरे पेजेस ज़्यादा फास्ट होंगे एंड सिर्फ जो ये कॉम्पोनेट्स जो इंटरएक्टिवल है मैं सिर्फ उन को क्लाइंट कॉम्पोनेट करूँगा तो जिससे मेरा ये जो पेज लोड है वो पेज लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो पाएगी तो देखो प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग ठीक है तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो देखते हैं दैट किस तरह की आउटकम आती है तो जो भी आउटकम आएगी आई शेयर इट विद यू गाइज कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप राउटर के साथ जब मैं इस चीज़ को इंप्लीमेंट करूँगा तो अभी तक इतना ही ठीक है तो मेरा बेसिक कंसर्न क्या था इस पर्टिकुलर वीडियो से दैट तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्या था एक तो मैं तुम्हें छोटा सा एक स्नीक पिक देना चाहता था या फिर आई कैन से एक छोटा सा डेमो दैट किस तरह से फॉर्म एक्शन किस तरह से सर्वर कॉम्पोनेंट्स किस तरह से सर्वर एक्शंस वर्क करते हैं एंड जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर कुछ कमेंट्स थे दैट पहली बात एस क्यू इंजेक्शन पॉसिबल नहीं है विच इज़ ट्रू एंड सेकेंडली सम पीपल वर दैट वो सिक्योर है ठीक है तो आई तो आई नो वो सिक्योर है आई कम्प्लीटली एग्री वो बिल्कुल सिक्योर है मेरा जस्ट उस वीडियो में पॉइंट ये था कि उसको यूज़ मत करो बिकॉज वो थोड़ा सा एंटी पैटर्न है फास्ट इट्रेशन है बहुत फास्ट डिलीवरी कर सकते हो अप्लीकेशन की बट थोड़ा सा एंटी पैटर्न है तो यार एज अ स्टूडेंट मतलब आई डोंट वॉन्ट कि तुम अपना माइंड सेट इस चीज़ में बनाओ ठीक है ये फ्रेमवर्क स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी तुम्हें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर बनाना यू हैव अ सेपरेट लेयर फॉर बैक एंड सेपरेट लेयर फॉर फ्रंट एंड एंड सेपरेट लेयर फॉर डेटा बेस एंड डेटा बेस एंड बैकेंड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन अ सिक्योर वे फ्रंट एंड जो होते हैं वो बस बैक एंड से इंटरेक्ट करते हैं वी सम प्रोटोकॉल जैसे ए पी आईज हो सकते हैं इट कैन बी सॉकेट्स इट कैन बी सिंपल फिच कॉल्स तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन द केस तो अगर हम इस तरह से ही शुरू से अपने चीज़ों को आर्किटेक्चर करके चलेंगे तो हमारा स्केल जल्दी इंक्रीज होगा एंड हमारा कोड ज़्यादा क्लीन रहेगा ठीक है so, सो बहुत ही रैंडम वीडियो था ये बहुत ही अनप्लान्ड वीडियो था ठीक है सो आई होप दैट तुमने वीडियो को एंजॉय किया होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनटिल देन बाय बाय टेक केयर